बिल्कुल भाई क्रंची हो रखी है। और अब ये जाएगी भैया घी के अंदर, क्या बात है। तो चोखा भाई, चोखा आ चुका है आप देख सकते हो। तो भाई फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद के अंदर और ऐसी डिश खिलाने वाले हैं जो कि भाई बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आसपास तो नहीं मिलती बट हमारे यहाँ फरीदाबाद में मिलती है, जिसका नाम है लिट्टी चोखा। तो भाई ये जो डिश है मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, मेरे सुनने में ऐसा है, बाकी मैंने आज तक नहीं खाई, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, शायद आपका भी फर्स्ट टाइम हो। तो ठीक है वीडियो पूरी शुरू करते हैं, पूरी मेकिंग दिखाते हैं क्या होता है और भैया से भी मिलवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया। तो भैया इस लिट्टी चोखे की खास बात बताओ कोई, मतलब ये कैसे बनाया जाता है और क्या इसका वो है मतलब। यार लिट्टी की खास बात क्या है, ये गेहूं के आटे के बनते हैं, चने के सत्तू भरा होता है ये। अच्छा। है जो कि कोई मैदा वैदा नहीं होता, नुकसान का चीज़ है, हेल्दी ये ना तली उली से बढ़िया चीज़ होता है, बस इसलिए बंदे पसंद करते हैं। और अच्छा। सामने बनता है बुना हुआ होता है, मतलब ये रोस्ट किया जाता है मतलब पूरा, बाकी घी में डलता है और बाकी ऐसा कोई तेल मसाला इसमें होता नहीं। और जो सब्जी होती है वो किससे बनी होती है? वो आलू और बैंगन से बनी होती है। अच्छा, आलू और बैंगन से बनी होती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर देख लो भाई, ये क्या है भैया? लिट्टी है भैया। ये लिट्टी है जी। और भाई ये नीचे भाई रोस्ट होती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो बारबेक्यू लगा हुआ है नीचे। और तो भैया लिट्टी किस चीज से बनाई जाती है? आटे से बनती है। आटे से? तो भाई ये है भैया का, ये आटा है। आटा है। तो भैया ये क्या डाल रहे हो अब इसके अंदर? सत्तू है। सत्तू जी। तो भाई ये आ चुकी है, ये देखो उसको रोल कर देंगे और इसको रख देंगे इसके ऊपर। तो भैया कितनी देर तक सिकती है मतलब? 10 मिनट भैया। 10 मिनट। तो भाई ये देखो कितनी सारी भैया ने यहाँ लगा रखी है और ये नीचे रोस्ट हो जा रही है, नीचे कोयले रखे हुए हैं। तो भाई ये यहाँ पर देखो लिट्टी सिक रही है, ये देखो क्या बात है। तो भैया फरीदाबाद में कितने टाइम से लगा रहे हो? 6 साल होने वाला है भैया। 6 साल होने वाला है। तो मतलब जब फर्स्ट टाइम आए थे तो लोगों ने कैसा मतलब वो दिया यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम? पहले बहुत को पता नहीं था, बहुत जो बिहार का यूपी का बंदा उसको तो पता ही था, बाकी यहाँ वाला को पता नहीं था, मगर अब सब खा रहे हैं। अब खा रहे हैं सब? सब खा रहे हैं। तो भाई मैंने तो आज तक नहीं खाई, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करूंगा। तो भैया इसके रेट क्या होते हैं? 30 रुपये भैया। 30 रुपये प्लेट। और सिंगल पीस? सिंगल पीस 20 रुपये। 20 रुपये। और इसको किसके साथ सर्व किया जाता है? चोखा के साथ, आलू बैगन की होती है चोखा। अच्छा सिंपल चोखा। सिंपल और चोखा, बाकी 3 तरह की चटनी होती है, धनिया की, सरसों की, लाल मिर्च की। अच्छा। बाकी नींबू प्याज पड़ती है ऊपर से। तो भाई ये है इनका चोखा कि आप देख सकते हो, ये आलू और बैंगन का। तो ये सिंपली ये बॉयल है मतलब कोई फ्राई कुछ नहीं किया? फ्राई नहीं, कोई तेल मसाला। तो भाई ये भी बॉयल्ड होती है और ये भी भाई रोस्ट होते हैं। और भी है चटनी कौन कौन सी दिखाना एक बार। तो भाई ये 3 तरीके की चटनी है, रेड वाली कौन सी है? मीठी होती है? मिर्च की है। अच्छा मिर्च है ये। और ये वाली बीच में? सरसों की है। सरसों की है जी। ये तो भाई मैंने पहली बार सुनी है। इसका टेस्ट मीठा होता है, कैसा होता है? नहीं इससे झाग लगते हुए। अच्छा। और ये थर्ड वाली? ये हरी चटनी है धनिया की। अच्छा धनिया की। तो भाई अब हम अपनी भी भाई अब एक बार हम प्लेट लगवाते हैं। तो भी एक प्लेट लगा दो हमारे लिए भी। तो भाई ये अभी तो भी आप पहले हाफ करके रखते हो रोस्ट? हाँ जी भैया। तो भाई हमारे लिए प्लेट लगने जा रही है जो पहले हो रखी है हाफ, ये देखो इसको भाई दबा दिया जाएगा और रख दिया जाएगा। और ये आ गई दूसरी, ये देखो क्या बात है। तो भाई ये प्लेट आ चुकी है, सबसे पहले क्या जाएगा भैया? चोखा। चोखा भाई, चोखा आ चुका है आप देख सकते हो। अब उसके बाद आएगी भाई चटनी सारी, क्या बात है। ये कौन सी है? मिंट सॉस। ये हरी चटनी है। हरी चटनी। ये आ गई सरसों की। और ये आ गई लाल मिर्च वाली, क्या बात है। और ये प्याज, ये देखो भाई। और ये नींबू, गजब। तो भाई चोखा रेडी हो चुका है, तो भाई लिट्टी भी रेडी हो चुकी है, ये देखो बिल्कुल भाई क्रंची हो रखी है। और अब ये जाएगी भैया घी के अंदर, क्या बात है। तो भाई घी के अंदर ये पूरी डूब चुकी है इस टाइम स्विमिंग पूल में। और तो भाई इसके अंदर पूरा घी घी भर जाता है और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए रखा जाता है। और ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, क्या बात है, ये देखो गजब। तो भाई फाइनली हमारे यहाँ पर लिट्टी चोखा आ चुका है, जो कि आप देख सकते हो भाई इसके अंदर ये सरसों की चटनी, मतलब 3 तरीके की चटनी है, प्याज है और सब कुछ है। तो एक बार भाई मैं इसको टेस्ट करता हूँ फर्स्ट टाइम। तो भाई ये तो देखो भाई बहुत ज़्यादा क्रंची है और इसके अंदर देखो फिलिंग भी बहुत ज़्यादा है। उठाते हैं इसको।
तो भाई इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मतलब ये जो आटे का ये बनाया हुआ है ना, जो इसके अंदर फिलिंग करी हुई है वो बहुत टेस्टी है। और मतलब जो चटनी के साथ खाने में अलग ही मज़ा आ रहा है, चटनी के भी अलग फ्लेवर है। मतलब भाई मज़ा आ गया। तो भाई अगर आपको भी ये टेस्ट करनी है तो आप फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 16 होम फ्री से भाई पीछे उसके जस्ट सामने आओगे तो ये भी आपको मिलेंगे। और बाकी लोकेशन लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि आपको लिट्टी चोखा कैसा लगा। ये आप कितने टाइम से खा रहे हो यहाँ पर? भाई मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा फर्स्ट टाइम है? हाँ भाई। तो भाई करो टेस्ट और बताओ कैसी है। बढ़िया है, फर्स्ट टाइम है।